आपके सामने एक असर्शन दिया हुआ है, देर इज कंसिडरेबल इंक्रीज इन द कोवेंट रेडियस ऑफ एन टू पी, तो एन से पी में रेडियस अच्छा खासा बढ़ता है, पर जैसे हम आर्सेनिक से बिस्मथ में मूव करते हैं तो रेडियस का इंक्रीमेंट क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। तो इसका रीजन है यहाँ पे कहीं ना कहीं आर्सेनिक से एंटीमोनी में आपका डी और एफ सबसे लाना चालू होता है, और डी और एफ सबसे का जो इलेक्ट्रॉन है उसका शील्डिंग क्या होता है, पुअर, जिनका पुअर शील्डिंग कारण क्या होता है, आउटर मोस्ट क्लाउड अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, और साइज का इंक्रीज क्या होता है, स्लोली बढ़ेगा, यानी साइज क्या होता है, जिस रेट से बढ़ना चाहिए था उस रेट से इंक्रीज नहीं करता, यानी आपका जो असर्शन है करेक्ट है। बात करते हैं रीजन का, तो रीजन बोला गया है कि जैसे डाउन द रूप में मूव करते हैं तो आपका कोवेंट एंड आयनिक रेडियाई क्या होता है, ठीक है, इंक्रीज करता है डाउन द रूप में, तो आपको पता है कि डाउन द रूप में रेडियस क्या होगा, रेडियस कोवेंट हो या आयनिक हो ये क्या होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। यानी आपका असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट जो रीजन है आपके असर्शन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका मतलब आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट, दोनों सही है बट रीजन आपके असर्शन का एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा।